मैं इंतहाई अदब एहतराम के साथ अब गुजारिश कर रहा हूँ ख़तीब इनकलाब अली जनाब मौलाना अब्बास इरशाद नकवी साहब की खिदमत में को तशरीफ़ लाएँ और फ़ज़ाइल मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम बयान फरमाएँ। जनाब अब्बास इरशाद नकवी साहब जनाब अब्बास ग्रामी अस्सलामु अलैकुम। अव्वल अव्वल मैं आपको आमद आमद हज़रत इमाम अली इब्न मुसा रज़ा अलैहिस्सलाम की मुबारकबाद पेश करता हूँ और अभी एक जामे एक मुकम्मल तकरीर अली जनाब मुमताज़ुल उलमा मौलाना सैफ अब्बास साहब क़िबला से आप समात फरमा चुके हैं। वक्त काफ़ी हो चुका है, शुरा इकराम तशरीफ़ ला चुके हैं, लिहाजा हरगज़ हरगज़ इस बात की गुंजाइश नहीं है कि आपके सामने कोई तूलानी तकरीर की जाए। सिर्फ हुसूल सवाब और तामील हुक्म के तौर पर कुछ देर आपकी खिदमत में गुफ्तगू करने के लिए मैं मुनासिब समझता हूँ कि अभी आप मौलाना सैफ अब्बास साहब से हमारे आपके आठवें इमाम हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की अज़मत के साथ साथ उनकी अहादीस को भी मुलाहिज़ा फरमा रहे थे। उन्हीं अहादीस में क़िबला ने आठवें इमाम के हवाले से हज़रत की एक हदीस बयान फरमाई जिसमें अक्ल की हकीकत और अक्ल की तारीफ़ बयान फरमाई है। मैं भी मुनासिब समझता हूँ कि आपके सामने इसी अक्ल और इमाम के हवाले से कुछ देर और बहुत ही मुख्तसर तौर के ऊपर अर्ज़ करूँ कि देखिए इस अक्ल की हमारे मसलक में हमारे मज़हब में बहुत अहमियत है। हम में और दीगर फ़िरक़ों में एक फ़र्क ये है कि वो सिर्फ अकीदत की बैसाखी पर चलते हैं, हमारा मज़हब अक्ल के कांधों पर चलता है। हमारे यहाँ अकीदत भी है लेकिन अकीदत ही नहीं है, अकीदत के साथ साथ अक्ल भी है। और इस अक्ल की इतनी अहमियत है अजीज़ों के पैगंबर इस्लाम सरकार ख़त्मी मर्तबत जनाब अहमद मुश्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पहला ऐलान इस्लाम फरमाया जिसको दावत ज़ुल-अशीरा कहते हैं, उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा है इस बात की तारीफ़ फरमाएंगे, तो उस दावत ज़ुल-अशीरा में पूरे शहर मक्का को इनवाइट नहीं किया। वो प्रोग्राम शहर मक्का में हुआ था लेकिन ऐसा नहीं था कि एक एक घर का दरवाज़ा खटखटाया गया हो और सारे मक्के वालों को उस दावत ज़ुल-अशीरा में बुलाया गया हो। उलमा लिखते हैं कि उस दावत ज़ुल-अशीरा में जो पहला ऐलान इस्लाम है, पहली दावत दीन है, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ 40 लोग बुलाए गए। तादाद सिर्फ़ और सिर्फ 40 अफराद की थी। ज़रा सी आप तवज्जो फरमाएं तो मैं गुफ्तगू को बहुत जल्द मंजिल इख्तिताम तक पहुँचाऊँगा कि सिर्फ 40 लोग दावत ज़ुल-अशीरा में बुलाए गए। काबिले गौर बात यह है कि उलमा ने जहाँ तादाद लिखी है कि जिन लोगों को नबी ने बुलाया उनकी तादाद 40 थी, वहीं ये भी लिखा कि वो जो 40 लोग बुलाए गए वो भी सब के सब 40 साल से ज़्यादा के थे। उसमें एक भी शख्स 40 बरस से कम का नहीं था, कोई 40 का, कोई 45 का, कोई 50 का, कोई 60 का, सब के सब 40 बरस से ज़्यादा के थे, यानी 40 प्लस बुलाए गए, कोई भी 40 बरस से कम का नहीं बुलाया गया। ये 40 बरस का मसला क्या है तो हुकमा बताते हैं कि 40 बरस का सिन अक्ल इंसानी की तकमील का सिन है। 40 बरस का सिन वो है कि जब अक्ल इंसानी बामे उरूज पर पहुंच जाती है। तो पैगंबर ने उन्हीं अफराद को पहली दावत में बुलाया जिनकी अक्लें मुकम्मल हो चुकी थीं, और ये अक्लें मुकम्मल होने वालों को बुला के एक पैगाम दिया कि इस्लाम दीवानों के लिए नहीं आया है, इस्लाम पागलों के लिए नहीं आया है, इस्लाम खप्तुल हवासों के लिए नहीं आया है, इस्लाम मुंह का लुकमा कान में रखने वालों के लिए नहीं आया है, इस्लाम जुमे की नमाज बुध के दिन पढ़ाने वालों के लिए नहीं आया है, इस्लाम साहिबान अक्ल के लिए आया है। अब ये अलग बात के वो जो 40-40 बरस के लोग बैठे थे उनके बीच में एक 10 बरस के मौला अली भी बैठे हुए थे। मैं कहूँगा या नबी अल्लाह, जब सब 40-40 साल के बुलाए तो ये 10 बरस के मौला अली क्यों आए? तो नबी आवाज़ देंगे इसलिए इनको बुलाया ताकि एक पैगाम और भी पहुंच जाए कि अवाम और हैं, इमाम और है। वो जो 40 बरस वाले हैं वो अवाम में हैं, ये जो 10 बरस वाला है ये इमाम है। एक पैगाम और भी पहुंचाना है कि अवाम अक्ल के लिए सिन की मोहताज है,
मगर इमाम अक्ल के लिए सिन का मोहताज नहीं होता है। अरे इमाम ही तो अलामत अक्ल होता है, इमाम ही तो असास अक्ल होता है, इमाम ही तो बुनियाद अक्ल होता है। अज़ान गिरामी, इमाम ही असल अक्ल है। अजीज़ों, अक्ल की इतनी अहमियत है कि हमारी चार किताबें जो शियत का पिलर्स कहलाती हैं, जिन्हें कुतुब अरबा कहा जाता है, उनमें उसूल काफ़ी में जो पहला चैप्टर है वो किताबुल अक्ल है। और उस किताबुल अक्ल में इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने अक्ल के सिलसिले में एक हदीस बयान फरमाई। जब एक शख्स ने पूछा कि हज़रत फरिश्तों का मर्तबा ज़्यादा होता है, वो बहुत मुश्किल से उनके बैज लगेगा। ज़रा इत्मीनान से लगाइए, एक सलावात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद, बात अक्ल की हो रही है, सलावात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अच्छा, इमाम जामिन बांधा जा रहा है, चलिए मौला की जमानत में दिया, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद। देखिए, मोमिनीन के भी इमाम जामिन बन जाएं तो ज़्यादा बेहतर है, इसलिए कि मुश्किलात मौलवियों के साथ साथ अवाम पर ज़्यादा आती हैं। एक सलावात भेजे मोहम्मद वाले अहमद। एक मुश्किल तो यही है कि शुअरा को सुनने आए हैं और मुकर्रर को सुनना पड़ रहा है। एक सलावात भेजे मोहम्मद वाले अहमद। एक बावाल बुलंद भाई सलावात पढ़े मोहम्मद वाले अहमद। तो अज़ान गिरामी, छठे इमाम से एक शख्स ने पूछा कि हज़रत ये बताइए कि फरिश्तों का मर्तबा ज़्यादा होता है या इंसानों का मर्तबा ज़्यादा होता है। वो पूछ रहा है कि फरिश्तों का मर्तबा ज़्यादा है या इंसानों का मर्तबा ज़्यादा है। इमाम ने फरमाया कि सुनो, अल्लाह ने फरिश्तों को अक्ल दी है मगर उन्हें ख्वाहिशें नहीं दी हैं। तवज्जो सुनिएगा, फरमाया अल्लाह ने फरिश्तों को अक्ल दी है, उन्हें ख्वाहिशें नहीं दी हैं। और जानवरों को ख्वाहिशें दी हैं, उनको अक्ल नहीं दी है। अक्ल नहीं दी, वाह। तो उसने कहा, हज़रत मैं जानवरों के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ फरिश्ते अफजल होते हैं या इंसान अफजल होते हैं। फरमाया, गौर से सुन, अल्लाह ने फरिश्तों को अक्ल दी है, उन्हें ख्वाहिशात नहीं दी हैं। जानवरों को ख्वाहिशें दी हैं, उनको अक्ल नहीं दी है। अब तू ये पूछता है कि इंसान अफजल हैं या फरिश्ते अफजल हैं, तो याद रख कि वो इंसान जो अक्ल की पैरवी करे और ख्वाहिशों की बात ना माने, वो फरिश्तों से बेहतर हो जाता है। वो इंसान जो अक्ल की पैरवी करे और ख्वाहिशों की बात ना माने, वो फरिश्तों से बेहतर हो जाता है। और जो ख्वाहिशों के पीछे दौड़े, अक्ल का कहना ना माने, वो जानवरों से बदतर हो जाता है। भाई, इस हदीस को जहन में रखिएगा, मैं मौजू तक आ रहा हूँ। इस हदीस को जहन में रखिएगा कि इमाम ने फरमाया कि वो शख्स जो अक्ल की पैरवी करे, अक्ल को फॉलो करे, अक्ल के कहने पर चले, अक्ल की बात माने और ख्वाहिशों का दामन छोड़ दे, वो फरिश्तों से बेहतर है। और जो ख्वाहिशों के पीछे दौड़ता रहे, अक्ल का कहना ना माने, वो जानवरों से बदतर है। अभी आप मौजूए इमामत पर सुन रहे थे। देखिए, जो इमामत का मसला है, हमने इस मसले इमामत में भी ये नहीं देखा कि दुनिया क्या कह रही है, लोग क्या कह रहे हैं, सहाबा क्या कह रहे हैं, सकीफा क्या कह रहा है, दुनिया क्या कह रही है। हमने देखा कि मसला इमामत में अक्ल क्या कह रही है। सलावात भेजे मोहम्मद वाले। आइए, क़िबला तशरीफ ले आइए, शोराए किराम आ गए, सलावात और पढ़ते रहे मोहम्मद वाले अहमद। आइए भाई, हमने इस मसले में भी देखा कि अक्ल क्या कह रही है। मसला इमामत में हमने नहीं देखा कि सहाबा क्या कह रहे हैं, अजवाज क्या कह रही हैं, असहाब क्या कह रहे हैं। हमने देखा इमामत के मामले में अक्ल क्या कह रही है, इसलिए कि हमारे सामने तफसीर कुरान थी और तफसीर कुरान ये कह रही थी, अल्लाह ने हज़रत आदम से लेके हज़रत नूह तक और हज़रत नूह से लेके हज़रत इब्राहिम तक और हज़रत इब्राहिम से हज़रत मूसा तक, हज़रत मूसा से हज़रत ईसा तक 1,23,999 नबियों का जानशीन बनाया है, बनवाया नहीं, चुना है, चुनवाया नहीं, सिलेक्टेड है, इलेक्टेड नहीं। तो जानवाइएगा भाई, 1,23,999 नबियों का जानशीन अल्लाह ने बनाया, बनवाया नहीं, चुना, चुनवाया नहीं, नॉमिनेटेड है, इलेक्टेड नहीं। तो अब अक्ल ने आवाज़ दी कि जब कमतर नबी, मफजूल नबियों का जानशीन बनाने का हक उम्मत को नहीं होता, तो अक्ल ने कहा कि रहमतुल लिल आलमीन का जानशीन, साहिब तहा यासीन का जानशीन बनाने का हक भी उम्मत को नहीं है। अल्लाह बनाएगा, बनवाएगा नहीं।
आखिरी नबी का जानशीन अल्लाह चुनेगा चुनवाएगा नहीं। ये थी अक्ल की आवाज। अब इस अक्ल की आवाज सुनने के बाद हम तारीख के सहरा में सफर करने लगे। हम एक मैदान में पहुंचे, हमने देखा मजमा बुलाया जा रहा है, आगे वाले पीछे बुलाए जा रहे हैं, पीछे वाले आगे लाए जा रहे हैं, मेंबर सजाया जा रहा है, किसी को मौला बनाया जा रहा है। मन कुंतो मौला हो फाजा अली, उन मौला की सदा आ रही है। हम गदीर में रुके कि देखे यहां हो क्या रहा है, तो मालूमा हुक्म खुदा आया है कि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहर रसूल बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक, ए नबी वो पहुंचा दीजिए जो आप पर नाजिल किया जा चुका है आपके रब की तरफ से, और रब की तरफ से, और रब की तरफ से, सब की तरफ से नहीं, जो आप पर नाजिल किया गया आपके रब की तरफ से, सब की तरफ से नहीं। इसका मतलब गदीर में अल्लाह ने बनाया है बनवाया नहीं, चुना है चुनवाया नहीं। तो गदीर निकली मुताबिक अक्ल, तवज्जो फरमाइएगा, गदीर निकली मुताबिक अक्ल के गदीर में अल्लाह ने चुना चुनवाया नहीं, बनाया बनवाया नहीं। अब हम गदीर से आगे बढ़े, हमें सकीफा मिल गया, हमने देखा सकीफा में बहस हो रही है, बहस को किताबों में दर्ज किया गया कि अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से गासिब हक के जनाब अमीर ने एक मुबाहिसा किया। वो कहा हमें मालूम है कि तुम बनी हाशिम हमसे नाराज रहते हो, और हमको मालूम है कि नाराजगी का सबब यह है कि तुम चाहते हो कि तुम्हारे भाई अली को हम इमाम मानते। तो कहने वाले ने कहा कि हमको भी मालूम है कि यह इमामत अली का हक है, मगर हम क्या करें कि अरब नहीं चाहते, अरब नहीं चाहते, बतौजो फरमाइएगा, अरब नहीं चाहते कि जिस घर में रिसालत रही हो उसी घर में इमामत रहे, अरब नहीं चाहते, अरब नहीं चाहते। ये चाहना ही तो ख्वाहिश है, वाह भाई, ये चाहना ही तो ख्वाहिश है। इसका मतलब गदीर है अक्ल का नाम, सकीफा है ख्वाहिश का नाम। जिसने गदीर को माना उसने अक्ल की पैरवी की, जिसने सकीफा को माना, भाई अब हदीस याद कर लीजिए, जिसने गदीर को माना उसने अक्ल की पैरवी की, जिसने सकीफा को माना उसने ख्वाहिश की पैरवी की। अब हदीस याद कीजिए, नतीजा निकाल लीजिए, इसका मतलब गदीर का मानने वाला फरिश्तों से बेहतर हो गया, गदीर को छोड़ने वाला जानवरों से बदतर हो गया। देखिए ये भी अक्ल का तकाजा है कि गुफ्तगू 5 मिनट के अंदर खत्म कर दी जाए, वरना ये भी अजीब बात होगी कि अक्ल पे तकरीर करने वाला बेअक्ल है। अजीजा ने गिरामी, गदीर को मानना मुताबिक है अक्ल है। अभी आपने मौलाना सैफ अब्बास साहब क़िबला से अक्ल के मुतालिक हदीस सुनी, अब अक्ल की तशरीह क्या है। 8वें इमाम ने एक तशरीह वो बयान फरमाई जो अभी क़िबला से आपने सुना था, मोतबर हदीस है। अब एक तशरीह मुझसे भी सुन लीजिए, मामून का दरबार है और 8वें इमाम हजरत अबुल हसन अली इब्न मूसा रिजा अलैहिस्सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद, और इसी अक्ल के मौजू के ऊपर गुफ्तगू हो रही है कि अक्ल कहते किसे हैं, अक्ल की पहचान क्या है, अक्ल की तारीफ क्या है, अक्ल की परिभाषा क्या है, अक्ल किसे कहते हैं, भाई कैसे मालूम किया जाए कि फला आदमी साहिब अक्ल है, अक्ल कहते किसे हैं। तो मामून ने अपने उलमा से कहा कि आप बताएं अक्ल किसे कहते हैं, तो उन्होंने कहा कि अक्ल की पहचान यह है कि इंसान पहचान ले कि नेकी क्या है और बदी क्या है, सही क्या है और गलत क्या है, नेकी और बदी का फ़र्क पहचान लेना ये अक्ल है। तो मामून 8वें इमाम की तरफ मुतवज्जे हुआ और कहा हज़रत आप बताएं अक्ल किसे कहते हैं। तो इमाम ने फरमाया ये क्या कह रहे हैं, कि ये कह रहे हैं कि अक्ल इसे कहते हैं कि इंसान नेकी और बदी का फर्क पहचान ले। तो इमाम ने फरमाया कि नेकी और बदी के फर्क को पहचानने का नाम अक्ल नहीं है। फरमाया अगर नेकी और बदी को पहचानने का नाम अक्ल होता तो गधे का नाम गधा ना होता। सुनिएगा,
इमाम ने फरमाया अगर नेकी और बदी के फर्क को पहचानने का नाम अक्ल होता तो गधे का नाम गधा ना होता। फरमाया तुम उस जानवर के सामने सूखी हुई घास रखो और हरी हरी घास रखो तो कभी सूखी हुई घास की तरफ मुंह नहीं बढ़ाता, वो भी हरी हरी घास की तरफ मुतवज्जे होता है। तो इतना तो उसको भी मालूम है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो अगर इसका नाम अक्ल है तो वो हिमाकत की अलामत क्यों है, वो जानवर बेअक्ली की अलामत क्यों है? तो मामून ने कहा फिर आप बताएं अक्ल किसे कहते हैं। आठवें इमाम से कहा आप बताएं, तो इमाम ने फरमाया सुनो नेकियों बदियों के फर्क को पहचानने का नाम अक्ल नहीं है। अगर दो नेकियां और दो बदियां एक साथ जमा हो जाएं तो ये पहचान लेना कि इन दो नेकियों में सबसे ज्यादा सवाब किस में है और इन दो बदियों में सबसे पहले किसको तर्क किया जाए, इसका नाम अक्ल है। तो जैसे ही इमाम ने यह फरमाया वैसे ही पूरा दरबार जजाक अल्लाह और सुभान अल्लाह की आवाजें बुलंद करने लगा। इमाम जवाब दे के निकले, एक चाहने वाला आपके दामन से लिपट गया और कहा वाह मेरे मौला आपने क्या अक्ल की तारीफ बयान की। देखिए दुश्मन भी वाह वाह कर रहा था, इमाम मुस्कुराए फरमाया ये भी अक्ल की असल तशरीह नहीं है, ये भी अक्ल की असल पहचान नहीं है। उसने कहा हजरत फिर ये क्या था? फरमाया ये अक्ल की तारीफ नहीं थी, ये जिनके सामने बयान किया उनकी अक्लों के मुताबिक बयान। भाई वो जितना समझ सकते थे उतना बताया, वो जितना उसको ग्रैप्स कर सकते थे वो जितना जर्फ रखते थे उतना बताया। देखिए इससे एक बात और समझ में आई कि अब अक्सर और बेशतर अहादीसे मासूमीन में जाहिर जाहिर तजाद नजर आता है जिसकी वजह से अकीदों में झगड़े होते हैं कि साहब इस हदीस में है कि हमिल में गैब रखते हैं, इस हदीस में है हमिल में गैब नहीं रखते, इस हदीस में है हम मदद करते हैं, इस हदीस में है हम रिस्क नहीं बांट सकते। और लोग परेशान हो जाते हैं कि साहब एक हदीस में ये है एक हदीस में ये है तो ये सही है या वो सही है। तो सिर्फ ये ना देखिए कि इमाम ने क्या कहा है, ये भी देखिए कि किससे कहा है। भाई मोमिन से कहा या मुनाफिक से कहा है, मुसलमान से कहा या सलमान से कहा है। देखिए इसी में लोग अच्छे खाते हैं, कि इस हदीस में ये मौजूद है और उस हदीस में वो मौजूद है। अरे हदीसें सब सही हैं, किससे कहा है? हमारा 5 साल का लड़का था, 5 बरस का जब था, उसने पूछा अल्लाह क्या है, हमने उसको उलूहियत की दलील कुछ और दी। वो 15 बरस का हुआ, हमने दलील कुछ और दी। जब वो 25 बरस का होगा तो दलील कुछ और होगी। तो जैसे जैसे अकलें बढ़ती हैं वैसे वैसे दलीलें बदलती हैं। बस सुनिएगा गुफ्तगू तमाम है। इमाम ने फरमाया ये भी उनकी अकलों के मुताबिक था, ये भी असल तारीफ अकल नहीं है। तो काबिर हजरत मैं आपका चाहने वाला मुझे तो बताइए अक्ल किसे कहते हैं। फरमाया सुनो नेकियों बदियों के फर्क को पहचानने का नाम अक्ल नहीं है, हमको पहचानने का नाम अक्ल है। फरमाया इमाम बरहक की मारिफत का नाम अक्ल है, इमाम बरहक को पहचानने का नाम अक्ल है कि मिन अल्लाह इमाम कौन है, मिन जानिब अल्लाह इमाम कौन है, मासूम इमाम कौन है, अल्लाह का बनाया हुआ इमाम कौन है, इसको पहचानने का नाम अक्ल है। अब जितना अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए वो कम है कि ये जो 12 इमामों के कदमों से हम लिपटे हैं तो ये अकीदतमंद होने की पहचान नहीं है, अक्लमंद होने की पहचान है। ये अकल, अकल सिर्फ ऊंची ऊंची इमारतें बनाने का नाम नहीं है, अकल सिर्फ कारोबार को बढ़ाने का नाम नहीं है, अकल नोटबंदी में काले धन को सफेद बनाने का नाम नहीं है, अकल इमाम की मारिफत का नाम है। इमाम को पहचानना कि पहचान लिया जाए, अकल इसलिए दी गई है। अच्छा हर मामले में लोग आखिल हैं, हर मामले में समझदार हैं, हर मामले में जहीन हैं, हर मामले में होशियार हैं। और इमामत का मामला आता है तो बड़े बड़े बुद्धिजीवी बुद्धू हो जाते हैं। हर मामले में साहब एक तबका है जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स बुद्धिजीवी बनते हैं, बुद्धि है नहीं और बुद्धिजीवी बनते हैं। हर मामले में अक्ल है, हर मामले में फिक्र है, हर मामले में तहकीक है, वो इमामत के मामले में नन्हे बन जाते हैं। अरे दशहरी का जमाना है, आम लेने भी निकलते हैं तो उलट पुलट के देखते हैं,
हमने कहा क्या देख रहे हैं? कहा देख रहे हैं कहीं दागी तो नहीं आए। तो फल के मामले में देख लिया कहीं दागी तो नहीं आए, इमामत के लिए भी देखते कहीं बागी तो नहीं आए। अजीजो अकल दी इसलिए गई है। बस अब मैं अपनी गुफ्तगू को तमाम करूं और मुकासदे से इस गुफ्तगू को मुत्तसिल करूं कि अल्लामा तस्वीर लखनवी साहब अल्लाहु मकामा ने फरमाया कि अकल शाइस्ता रही हर आदमी के वास्ते, ज़हनियत उलझी तो बस आले नबी के वास्ते। अब पहले तो नूरे अली से मोल ले ली दुश्मनी, अब लहद में रो रहे हो रोशनी के वास्ते।